इतनी भारी बारिश के बाद यहाँ जो माहौल देख रहे हो, यहाँ लगभग लगभग हजारों की संख्या में लोग थे यहाँ, और चारों तरफ से जो माहौल है, बारिश देख रहे नहीं, तूफान देख रहे नहीं, मैं चारों तरफ से परमपिता परमात्मा का मैं तो आशीर्वाद समझता हूँ कि आज कीचड़ मची हुई है, और कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ये तो परिचय हमेशा परमात्मा ने हमें दे दिया। तो कहीं ना कहीं इंद्रदेव भी पूरी तरीके से खुश इंद्रदेव नजर आ रहे हैं। अंडर टेकन शर्मा जिंदाबाद। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे सीधे साधे आदमी पे परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा रही है। मैंने कभी किसी के प्रति गलत बयानबाजी नहीं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इन कांग्रेस वालों को विशेष रूप से, भाई ये चोरी इस तरीके से हमेशा जो तुम बकवासबाजी करते हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। लोगों में तुमने अगर मान लो 5 साल एमएलए रहे हो या 10 साल तुम्हारी सरकार रही है, तुम अपने काम तो बताओ, काम किए नहीं, लोगों को भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त रहे, बस नौकरियां पर्ची खर्ची के हिसाब से नौकरियां देते रहे। आज सबसे बड़ी चीज, मैंने अभी आपके सामने एक चीज पूछी थी कि साहूपुरा गांव में 5 साल में या 10 साल में कोई बालक नौकरी लगा, सबने हाथ उला करके कहा कि कोई नौकरी नहीं लगा। हमारे 10 साल के पीरियड में, भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में, 4 बच्चे यहाँ, वो इतने गरीब परिवार से लगे हैं, वो ना मेरे पास आए ना किसी और के पास गए, आज तक ना बिना पर्ची खर्ची के किसी भी तरीके से, कोई ऐसा वो नहीं है कि जहाँ ये कह सके। कल अमित शाह भी आए, अमित शाह ने भी पूरी तरीके से जो है वो चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया, स्टार प्रचारक जमीन पर उतारा। नहीं, अमित शाह माहौल चेंज हो, माहौल एकदम बहुत बदला हुआ है। अमित शाह जी ने कहा था कि आज हरियाणा में, हरियाणा जैसे प्रदेश में जो कि वीरों की भूमि कही जाती है, किसानों की भूमि कही जाती है, जो कि खिलाड़ियों की भूमि कही जाती है, वहां पे कांग्रेस के प्रधान और कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर के दावेदार बनते हैं, उन्हें जबकि ये सपने हैं उनके, उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। रहते तुम हिंदुस्तान में हो, हरियाणा जैसे प्रदेश में, और तुम्हारे जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते हो, उसके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, ये इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक तरफ वो कहते हैं जैसे 370 और 35 को जो हटाया माननीय गृह मंत्री जी ने कल जिक्र किया था, और हम भी ये कहते हैं कि जब एक एक विधान, एक परिधान, एक झंडा, एक डंडा रहेगा, तो इसमें गलत क्या है भाई। आज उनको फिर वो ये कहते हैं, हम तो 370 भी लगाएंगे, 35 भी लगाएंगे, और भाई हमारा तो ये दूसरा झंडा भी तो फहरवाएंगे, ये कोई देश हित में बात है क्या? अंडरटेकन शर्मा जिंदाबाद। क्षेत्र के अंतर्गत निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए मैदान पर, कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी कितना भी लोगों के सामने गड़गड़ा ले, परंतु इस बार प्रतला में कमल नहीं खेलेगा। नहीं, गिड़गिड़ाने की क्या बात है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि 5 साल में मेरे से पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, दूसरी बार में मेरे से बाद में नैनपाल जी रहे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, मैं भी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहा था। मैं तो ये कहता हूँ चैलेंज के साथ, वो अपनी अपनी बात बताएं, उन्होंने 5 साल में क्या विकास किए हैं और हमने क्या किए हैं और आगे की उनकी प्लानिंग क्या है। उनके पास ना प्लानिंग है ना कुछ है, बस अपना ये है कि हमने खाने की प्लानिंग उनके पास जरूर होगी कि किस तरीके से हमने अपनी कोठियों को आगे सुसज्जित करना है, फार्म हाउस खरीदने हैं, पेट्रोल पंप बनाने हैं, मैंने अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को कैसे, बाकी अब ये 10 साल का जो जेल हो चुकी है ना एक पूर्व मुख्यमंत्री को, उसके बाद ये सब चीजें नॉलेज में आ चुकी हैं, वो चीज चलने वाली नहीं। शाहपुर कला क्या देख रहे हैं इस बार प्रथला में? कमल हाथ है, भाई साहब कमल है, कमल को याद है बेटा, ये फूल खिलाएगा। अच्छा, कमल ही खिलाएगा। क्यों खिलाएगा कमल? अरे बढ़िया काम करें, यानी अच्छे काम करो, पहले से भी पुराना विधायक है, काम किए इसमें, काम करें बढ़िया, आगे आपको उम्मीद है काम करेगा, आगे भी आगे काम करोगे बड़े जोर के भी है, पहले भी कई विधायक रहे हैं, बाद में भी है, पहले ने दावे किए थे, पहले ने कुछ ना करो लेकिन यू काम करोगे बढ़िया तरह। नैनपाल रावत भी मैदान में, उन्होंने कहा हम काम करेंगे, तो अभी हो तो जन कितने आए कितने रहेंगे। मेनपाल जी ने काम किया नहीं किया? वाने भी करे पर कोई इतने ना करे या बराबर, ये अच्छा काम करता है। हाँ, करे करे या नहीं, बढ़िया काम। कहाँ से? साहूपुरा। देख रहा जी क्या माहौल देख रहे हैं भट्टी साहब इस बार कथला में?
देखो जी, मोदी जी वो मुमकिन है, सब कुछ जवाब है मोदी जी के पीछे, सब कुछ है। अच्छा, तो बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। मैं लोकसभा में सुना था मोदी फैक्टर का, विधानसभा में मोदी फैक्टर चलेगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा, मोदी है तो मुमकिन है ये सब। कैंडिडेट मायने नहीं रखेगा, मोदी मायने रखेगा? सबसे बड़ी बात है मोदी है तो मुमकिन है, जहाँ मोदी है वहाँ है। भाजपा का जो प्रत्याशी है कैसा आदमी है, काम करने वाला है? काम करने वाले पंडित जी बहुत अच्छे आदमी। हाँ काम किया था पहले? हाँ पहले ही रहे। इस बार वोट किस मकसद से दी जाएंगी, विकास के नाम पर? हाँ विकास के नाम पर है वोट, तो विकास के लिए ही वोट है सब। तो विकास कर पाएगा कोई? हाँ विकास करते हैं पंडित जी, अच्छे विकास करते हैं। नाम क्या जी आपका? श्याम लाल। श्याम जी कहाँ से हैं? शाहपुर कला। शाहपुर कला, क्या माहौल देख रहे हैं प्रतला में इस बार? कमल हाथ है कुछ और? कमल का हाथ देख, कमल का माहौल, कमल का माहौल देख रहे हैं, कमल का माहौल देख रहे हैं। क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा प्रतला में? निश्चित है। निश्चित है? अच्छा क्यों कमल खिलाना चाहते हैं आप? विकास की तरफ। विकास की तरफ? विकास के लिए तो और भी उम्मीदवार खड़े हैं मैदान में, कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। विकास और कोई किसी का मतलब ही नहीं जो विकास कर सके, यही है। अच्छा यही क्यों? यही लोगों की उम्मीद है। क्यों कर सकता है ये काम? विश्वास है, विश्वास है। पहले किया इसने काम? पहले किया, करते रहे। कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पहले किया है। अच्छा यहाँ से नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, कौन कोई और लड़ रहा है? यहाँ से तो हमारे पंडित जी लड़ रहे हैं, पंडित नित्यन शर्मा जी। नित्यन शर्मा ठीक। सोनू कहाँ से हैं? मैं अरुआ से। अरुआ से। सोनू जी क्या आप युवा हैं, युवा सोच के हिसाब से क्या देख रहे हैं इस बार? भाई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है भाई। अच्छा मोस्टली वोट है हमारे। क्यों आखिर लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं? और कोई ऐसा है भी मैंने? कांग्रेस पार्टी भी है, एनएलडी भी है, बीजेपी भी है, और कुछ नहीं है। अच्छा इस बार पार्टी इफेक्ट करेगी या फिर कैंडिडेट इफेक्ट करेगा? पार्टी है, मेन पार्टी है। अच्छा कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट कैसा है, काम करने वाला या नहीं? क्योंकि उम्मीदवार तो और भी मैदान में है। हमारे तो विधानसभा है 90 है। कोई बात नहीं, तो वहाँ भी तो है ना, वहाँ भी तो राजेश नागर खड़े भाजपा से, कई और भी है, वोट तो वहाँ भी पड़ेंगे ना, उसी तारीख को पढ़नी है। तो क्या देख रहे हैं, भाजपा का कमल खिलेगा या कोई और मारेगा बाजी? वहाँ तो टक्कर है जी। टक्कर है बढ़िया, मैच कर ठीक। कहाँ से? चौपुरा का। चौपुरा से। इस बार क्या माहौल देख रहे हो आप? माहौल तो एकदम शर्मा का। पक्की बात है? क्यों बनाना चाह रहे हो? है वो काबिलियत है। काबिलियत है, डर ही रहो आप। काबिलियत है किस चीज की? काबिलियत है, अरे देखना रे, जब बीजेपी सरकार आई है बढ़िया काम है, अब मजदूर को भी पैसा खाते में आ जाए, कोई पैसे में कोई गड़बड़ नहीं होती है, नहीं पहले गड़बड़ी करे। इसलिए मजदूर वर्ग देना चाहता है बीजेपी को। बीजेपी को। अच्छा और भी मैदान में है, टेक्सन शर्मा के अलावा नैनपाल भी है, पर हम तो उनका वोट नहीं है, नहीं है। क्यों उन्होंने काम नहीं किए? नहीं उन्होंने नहीं किए। मेरा नाम सुमेश गौड़ है। सुमेश जी क्या माहौल देख रहे हो युवा होने के नाते प्रतला में इस बार? प्रतला विधानसभा में कैंडिडेट बहुत हैं और कभी अभी बहुत सारे रिपीट करने के लिए भी मैदान में आए हैं, लेकिन विधायक टेकचंद शर्मा जी ने जो विकास कार्य किए थे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। विधायक हैं टेकचंद शर्मा भी? बिल्कुल, वो पूर्व में भी थे और वो अभी भी है, क्योंकि अभी उन्होंने काम किए, लगातार काम किए हैं। विकास कार्य अगर अभी वो नहीं किए, लेकिन जनहित कार्य किए। चुनाव से पहले विधायक बना दिया आपने, चुनाव तो भी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे युवाओं में बुजुर्गों में जोश देख रहे हैं भाई साहब, विधायक वो 100% बनने जा रहे हैं। 100% बने, क्यों बनने जा रहे हैं टेकचंद शर्मा? और भी तो लोग हैं मैदान जो विधायक थे, अगर उनके विकास कार्य देखें और विधायक टेकचंद शर्मा जी के विकास कार्य देखें तो उनसे कई गुना ज्यादा अकेले विधायक जी ने करके देखे हैं, इसलिए हमारी तरफ से विधायक टेकचंद शर्मा जी को वोट। नैनपाल रावत भी मैदान में है, रघुवीर सिंह तेवतिया भी मैदान में है, और भी दीपक नागर की बात करें वो भी युवा चेहरे हैं मैदान में है, तो क्या लगता है इस बार टेकचंद शर्मा को मौका मिलेगा या किसी और को? देखो वोट तो सभी को मिलेंगे, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम तुलना करें तो उनसे सबसे बेस्ट, सबसे सुलझे हुए, सबसे मेहनती और सबसे विकास पुरुष टेकचंद शर्मा जी जिंदाबाद।